और हे व्यूअर्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज फाइनली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं पेंसिल से कैसे ड्राइंग करता हूं, एंड हो सके तो आप लोगों को दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी, एंड थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि पेंसिल कलर से ड्राइंग कैसे करते हैं, इसमें कैसे क्या होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस ड्राइंग की शुरुआत मैंने की है आई से। तो पहले मैंने आई को ब्लैक पेंसिल कलर से शेड किया, बट मेरे को लगा कि ये उतनी डार्क वैल्यू नहीं दे पाएगी, इसलिए मैंने फिर चारकोल पेंसिल का यूज़ किया, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का। एंड इसी तरह से मैंने फिर आई को कंप्लीट किया। फिर मैं लूँगा हल्का सा लाइट ब्राउन कलर, जिससे कि मैं आई के आसपास जो डेप्थ थी उसको मैंने दिया। फिर मैं लिया स्किन कलर को, एंड फिर से मैंने लाइट ब्राउन से उसे थोड़ा सा डार्क किया। बस सेम मैं ऐसे ही हर जगह करते जाऊँगा, एंड जहाँ पर मुझे लगा कि कुछ और भी कलर ऐड करने चाहिए वहाँ मैं और भी कलर ऐड करूँगा, जैसे कि ब्राउन हो गया, डार्क ब्राउन एंड ऑरेंज कलर हो गया, फिर रेड कलर हो गया। ये सब मैं यूज़ करूँगा पूरे ड्राइंग में हल्का हल्का। ये सब कुछ बेसिक कलर्स हैं जो कि मैं इस ड्राइंग में पूरी ड्राइंग में मैं यूज़ करने वाला हूँ। देखो, पहले मैंने स्किन कलर से पूरा फर्स्ट लेयर डाल रहा है, एंड फिर मैंने लाइट ब्राउन से हल्का का जहाँ पर डेप्थ है वहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पर कितना डेप्थ देना है। उसके बाद फिर मैं उसे वैल्यू के अनुसार कितना शेडो होगा उस हिसाब से मैं करूँगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ जो कि मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ, इस ड्राइंग को ये मैं अपने हिसाब से इसमें कलर्स दे रहा हूँ, अपने हिसाब से इसमें मैं शेडो दे रहा हूँ, अपने हिसाब से मैं इसके डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ। तो मैं कोई भी कलर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है मैं कैसे क्या डालूँगा एंड क्या रिजल्ट होगा। तो बस मैं इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एंड आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ। तो देखो, कभी मैं कुछ पेंसिल कलर यूज़ करता हूँ, कभी मैं कोई और पेंसिल कलर यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें नहीं पता है कि कौन सा रिजल्ट कैसा आएगा। बस मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसमें। एंड देखो, बेसिकली जो मैं मेन पेंसिल कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो है स्किन कलर, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड ऑरेंज कलर थोड़ा थोड़ा, और कहते हैं मैंने ये गाल के पास जो है थोड़ा सा रेड कलर का यूज़ किया है, एंड जहाँ पर मुझे एक्सेस लगता है वहाँ पर मैं इरेजर से मिटा देता हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पर थोड़ा धब्बा सा क्रिएट हो गया या फिर ज़्यादा पेंसिल कलर लग गया है, वहाँ पर आप लोग इरेजर का भी यूज कर सकते हो। ये आप लोग यूज कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा करने में। मैं तो करता हूँ इस चीज़ का यूज़। मैं देखो लेयरिंग में काम कर रहा हूँ, पहले फर्स्ट लेयर डालता हूँ लाइट, जो कि स्किन कलर का होता है या फिर लाइट ब्राउन का होता है, उसके बाद फिर मैं इस पर डार्क लेयर डालता हूँ। यहाँ पे मैं जो है वाइट पेंसिल कलर का यूज़ कर रहा था, क्योंकि उस मुझे ना थोड़ा सा ब्लेंड करना था, क्योंकि मैंने जो पेपर लिया है वो है रफ। अगर आप लोगों को ब्लेंड करने का मन नहीं है उतना, तो आप लोग ना स्मूथ पेपर ले लिया, तो आप लोग ना स्मूथ पेपर ले लो, क्योंकि अगर कहते रफ पेपर लोगे तो आपको थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा लेयर डालने के बाद। और ब्लेंड करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वाइट पेंसिल कलर को हल्का सा प्रेशर के साथ अप्लाई करना है एंड यूज करना है। तो मैं कोशिश किया हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा फास्ट ना करूँ, क्योंकि मैंने जो पूरे फेस को ड्रॉ किया ना, उसको लगभग ड्रॉ करने में मुझे 2 घंटे लग गए हैं। तो 2 घंटे की वीडियो में डालता तो उतना लंबा आप लोग क्यों ही देखोगे, एंड उतना लंबा डालनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी के पास उतना टाइम है नहीं देखने के लिए। इसे मैंने इसे थोड़ा छोटा कर दिया है 8 मिनट की, ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखोगे ना, तो आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे, क्योंकि मैंने इसमें एक एक स्टेप को बढ़िया से दिखाया है। तो देखो, जहाँ पर डार्क होता है वहाँ पर मैं या तो लाइट ब्राउन का या फिर तो डार्क ब्राउन का यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर जहाँ पर ज़्यादा डेप्थ देना है वहाँ पर मैं डायरेक्ट डार्क ब्राउन का यूज़ करता हूँ, जैसे कि अभी मैं दे रहा हूँ। तो देख लो, नीचे जो है बिल्कुल डेप्थ मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि नीचे से जो है शेडो बनेगी पूरी, उतनी लाइट नहीं आ रही है। एंड इस ड्राइंग में मैं जो लाइट दे रहा हूँ ना, वो है राइट साइड से, एंड लेफ्ट साइड से भी है, बट वो ऊपर से है लाइट थोड़ा सा, इसका ऊपर हेड देखो चमक रहा है, एंड उतना नहीं कहते नीचे जो है बिल्कुल भी नहीं चमक रहा है, इसलिए मैं नीचे जो है बिल्कुल डार्क वैल्यू को ऑप्ट करूँगा। एंड देखो, आप इसलिए मैंने डार्क ब्राउन, ब्लैक एंड रेड का यूज़ किया है। रेड मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि मैं थोड़ा सा ये चिक को दे सकूँ, इसके गाल को दे सकूँ, ऐसे मैं थोड़ा सा कार्टून टाइप बना रहा हूँ, इसलिए भी थोड़ा सा इस टाइप से मैं कर रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पर पिंक दिया था गाल के पास, ताकि उसकी गाल थोड़ी सी अच्छी लगे, बच्चे जैसी लगे, बट मेरे को पिंक में उतनी डार्क वैल्यू मिल नहीं रही थी, फिर मैंने रेड का यूज़ किया। एंड देखो, यहाँ पर भी मेरे से गलती हो जाती है या फिर एक्सेस लग जाता है पेंसिल कलर, वहाँ पर मैं इरेजर का ज़रूर यूज़ करता हूँ। आप लोग भी इस चीज़ को कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है ये, एंड आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा अगर आप लोग इरेजर यूज़ करोगे। वैसे तो इसको थोड़ा नहीं ही करो तो बढ़िया, ठीक है ना, लेकिन अगर गलती हो जाती है, अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, इवन मैं भी यूज़ करता हूँ। एंड ये थोड़ा सा एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है,
करने में। बेसिकली मैं जो ये ड्राइंग कर रहा हूँ उसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एंड आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ जज मत करना क्योंकि मैं अपने हिसाब से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, अपने हिसाब से लाइट शेडोज, अपने हिसाब से इसमें कलर्स दे रहा हूँ कहाँ पे क्या आना चाहिए। तो मैं अब आ गया हूँ नोज़ पर। नोज़ पर मैंने इसको पहले ही डार्क एरियाज को दे दिया जो कि था नीचे में, क्योंकि मैंने बोला ना ऊपर से लाइट पड़ रही है तो ऊपर चमकेगा एंड नीचे जो है लाइट नहीं है तो शेडो क्रिएट होगी, इसलिए मैंने सबसे पहले ब्राउन कलर का यूज़ किया डायरेक्ट डार्क करने के लिए। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा और भी कुछ कलर ऐड करना चाहिए, इसलिए मैंने रेड और ऑरेंज का यूज़ किया। अब मेरी नोज को मैं डिटेल्ड कर रहा हूँ एंड अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ माउथ की तरफ। मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई नोज, अब मुझे कुछ करना नहीं। तो माउथ में मैं जो दे रहा हूँ माउथ को बिल्कुल रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बोला था कि मैं लेफ्ट साइड से जो है शेडो दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड देखो हल्का सा ब्लैक कलर का यूज़ किया। तो बस इसी प्रोसेस से मैं पूरी ड्राइंग को करता जा रहा हूँ एंड हाँ जहाँ पर भी गलती हो रही है वहाँ पर मैं इरेजर्स का यूज़ कर रहा हूँ। आप तो देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा इरेजर्स का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इरेजर से ना थोड़ी एक अलग सी पैटर्न भी क्रिएट होती है, वो पैटर्न भी मुझे पसंद है। आप तो कभी इरेजर का यूज़ करके देखा है पेंसिल कलर में, एक अलग सी पैटर्न आती है, वो पैटर्न मुझे बहुत पसंद है। बस देखो इसे मैं जो रियलिस्टिक लुक दे रहा हूँ ना बस उसको एक ही बेसिस पर दे रहा हूँ लाइट एंड शेडोज़ के थ्रू, एंड कितनी वैल्यूज़ कब देनी चाहिए बस मैं उसे समझ रहा हूँ एंड उस हिसाब से दे रहा हूँ। तो देखो वैल्यूज होती है कि आप लोगों को कितना कलर की ये क्वांटिटी देनी है, वहाँ पे ज़्यादा अगर रब करोगे तो ज़्यादा डार्क होगी, नहीं रब करोगे तो लाइट होगी एंड उसमें भी कहते हैं अलग अलग कलर आते हैं जैसे डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन, बस आप लोगों को इसी तरह से समझना है कि कहाँ पे कितना वैल्यू ऑप्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं नीचे दे रहा हूँ अभी देखो बिल्कुल डार्क कर रहा हूँ क्योंकि नीचे जो है बिल्कुल भी लाइट नहीं है तो बिल्कुल ब्लैक टाइप की होगी, इसलिए मैंने ब्राउन और रेड और हल्का सा ब्लैक कलर को यूज़ किया है बिल्कुल नीचे देने के लिए इसके गर्दन के पास। बस मैं इसी चीज़ को समझ करके कर रहा हूँ पूरी ड्राइंग को। अब मैं आ गया हूँ इसको माउथ में, तो माउथ में भी देखो हल्का सा पहले मैंने रेड कलर का यूज़ किया फिर मैंने ब्लैक डाला है माउथ में, ताकि ना क्योंकि जो माउथ के अंदर का मैं दे रहा हूँ ना सीन वो होगा हल्का रेड, तो मैं एक बार में अगर डार्क कर दूँ ब्लैक से तो वो लुक उतना नहीं आएगा। ये रियल में ना आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ इसमें जो हल्का सा रेड कलर भी अंदर से है, हल्का सा रेड है बिल्कुल माउथ, ये पता चल जाएगा। अगर मैं एक बार में डार्क कर दूंगा ब्लैक दूंगा तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा अजीब हो जाएगा। इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ एंड आप लोगों को भी समझना है कि कहाँ पर कौन सी कलर देनी है, कहाँ पर कौन सी कलर बेस्ट रहेगी। तो बेसिकली मैं इस ड्राइंग में जो जो कलर यूज़ कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे कि मैंने लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन रेड स्किन कलर वाइट एंड ब्लैक, हल्का सा कभी कहीं पर मैंने ऑरेंज कलर का भी यूज किया था स्टार्टिंग में जो बिल्कुल हेड के पास मैंने ड्रॉ किया। तो बस यही कुछ बेसिक कलर्स थे जो कि मैंने इस पूरी ड्राइंग में यूज़ की एंड ये ड्राइंग हम लोग की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस ये ईयर बच रहा है एंड लगभग फेस भी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो मैं गाइस आप लोगों को पूरा फेस नहीं दिखाया क्योंकि थोड़ा सा मैंने गर्दन छोड़ दिया है, इसे मैं बाद में ड्रॉ करूँगा क्योंकि एक ही प्रोसेस तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे एंड ये वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा पेंसिल कलर की। मैं इसी तरह से इसकी दो वीडियो और डालूंगा जिसमें कि मैं इसके क्लॉथ्स को अच्छे से आप लोगों को ड्रॉ करना सिखाऊंगा क्योंकि क्लॉथ्स इसकी बहुत लंबी है, पूरा मैंने बॉटम तक लिया है सूज तक इसके, तो थोड़ी लंबी है तो मैं इसे सोच रहा हूँ इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा तो मैं बोल देता हूँ आप लोगों को एक बार वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड यहाँ पे हम लोग की ड्राइंग जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है।